Yes. Are you okay? I'm good. Mm-hmm. This is my post lunch. Why? Snooze. What happened in the morning? He's gone. No. He's gone. No, 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 no. He's flicked off. Please. Now, can we bring him back? Tum log karo na abhi for a change. हम तो कर ही रहे थे करोना प्लीज वी वांट तो अगर कैलेंडर एसके कुला अरे शुरू हो जाओ बेटा आप लोग रेडी हैं हम बिल्कुल रेडी हैं हम तो आपको मतलब नमस्कार चलो रोल सबका ओके शाहिद श्रद्धा एंड यामी जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन फिल्म अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो क्या कुछ फीलिंग है आप प्रेजेंट टाइम पे जी 21 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है और अब सिर्फ कुछ दो दिन बच गए हैं फिल्म के रिलीज़ होने में हम बहुत खुश हैं बहुत एक्साइटेड हैं जितनी भी चीज़ें हमें ऑडियंस के साथ शेयर करनी थी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेलर द कंटेंट द डायलॉग प्रोमोज द म्यूज़िक सब बाहर आ चुकी है बत्ती गुल हो रही थी वापस आ गई है दिस इज़ अ ग्रेट साइन सॉरी नहीं आई शुड थैंक यू यू हैव केप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर फिल्म अलाइव दिस इज़ अ प्रेविलेंट इशू मैं बोलने वाला था और अब पता चल गया कि वो प्रेविलेंट है सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड और मैं यूजुअली बहुत नर्वस हो जाता हूँ दो तीन दिन पहले मेरे अंदर की सारी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है और मैं अपने आप को सेकंड गेस करने लगता हूँ कि मैं यार ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहा था और ये भी रॉन्ग हो सकता है और वो भी रॉन्ग हो सकता है सो आई यूजुअली गो इन टू दैट मोड ऑफ विच इज़ यूजलेस बिकॉज अब तो सब हो चुका है तो लेकिन मैं ये रोज़ अपने आप से कहता हूँ लेकिन मैं फिर भी वैसा बन जाता हूँ लेकिन हम बहुत एक्साइटेड हैं श्रद्धा जी आपकी फिल्म में बैक टू बैक हिट हो रही है इसके लिए हम मीडिया वालों की तरफ से कांग्रेचुलेशन अभी स्त्री हमने देखा लोग बहुत ही थैंक यू सो मच अब बत्ती गुल मीटर चालू से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी एक्चुअली जब एक फिल्म जैसे जैसा शाहिद ने कहा कि क्योंकि एक तो इतनी मेहनत हम सब करते हैं पूरी टीम करती हैं टू मेक अ फिल्म एंड देन द फिल्म इज़ अबाउट टू रिलीज तो नर्वसनेस एक्साइटमेंट एक मतलब मिक्स्ड सा महसूस होता है और उम्मीद तो यही रहती है कि लोगों को आपकी फिल्म पसंद आए और एक ऑडियंसेस के साथ कनेक्शन बन जाए एंड यामी जी कुछ आपका अंदाज दिखाना चाहेंगे फिल्म का जो लॉयर का जो आपका कैरेक्टर है तो यहाँ कुछ थोड़ा सा शाहिद नहीं नहीं आई थिंक जो जो करना था ऑफ कोर्स फिल्म में हम सब ने कर दिया आई थिंक एज आई सेड अब इट्स ऑल अप टू यू अब बिल्कुल आप सबके भरोसे एंड उम्मीद पे दुनिया कायम है तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी आई थिंक सिर्फ दो ही दिन बाकी हैं सो या लॉट ऑफ एक्साइटमेंट लॉट ऑफ नर्वसनेस बट इट्स अ हैप्पी नर्वस सो कांट वेट हमें भी उम्मीद है कि फिल्म बहुत ही हिट होगी तुम्हें क्यों उम्मीद है मतलब तुम तो हर आदमी को यही बोलते हो कि मुझे भी उम्मीद है मस्ती करो जी ओके शाहिद जी क्योंकि दो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं इस फिल्म में नहीं होती तो प्रॉब्लम होता मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस वो जानना चाहिए ब्यूटीफुल रहा होगा एक्सपीरियंस जब दो ब्यूटीफुल औरतें हैं मेरे साथ लड़कियां हैं गर्ल्स तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस फिलहाल कैसे जा रहा है अच्छा खूबसूरत जा रहा है कि नहीं दो खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पे अरे इतनी शांति क्यों हाँ इतनी शांति क्यों भाई सबने एक को सवाल दे दिए शाहिद अब जब शायद सबसे ये सवाल है कि अब जब आप लोगों ने ये फिल्म की है बत्ती गुल मीटर चालू जो एक रेलेवेंट इशू पे है तो कहीं आप लोगों के मन में ऐसा है कि आगे भी जो आप लोग फिल्में करें वो उसमें मैसेज भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो मतलब इसका एक अमेलगेमेशन हो ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा कि आगे इस तरह की फिल्में आप लोग करेंगे आई थिंक लकीली मेरी शुरुआत इस ऐसी फिल्म के साथ हुई थी आई थिंक विकी डोनर वॉज काइंड ऑफ अमलगमेशन ऑफ समथिंग समथिंग वेरी न्यू समथिंग एंड येट इट वॉज एंटरटेनिंग तो ज़रूरी नहीं हर वक्त ऐसा पॉसिबल हो बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वो एक सोशल इशू है तो एक फिल्म करते हैं इट हैज़ टू एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इन प्लेस एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एज यू सेड फिल्म लाइक बत्ती गुल मीटर चालू जो हम बार बार ये शब्द बार बार आ रहा है सोशल इशू है बट आई थिंक जब तक आप देखेंगे नहीं तब आपको शायद उसकी ग्रेविटी पता चलेगी दैट हाउ एक्चुअली रेलिवेंट दिस ये शायद उस तरह उन तरह के वाक्या हैं इंसिडेंट्स हैं जो हम आम तौर पे शायद घर पे चाय पे डिस्कस करते हैं सिर्फ बात करते हैं एंड देन वी जस्ट मूव ऑन बट आई थिंक सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है
I'm not saying to inspire anything or to change anything, but at least where a dialogue can start, or somewhere people can connect, or agar kisi ko to give them a kind of a strength of any sort, or to give them a kind of a you know, a belief of some sort in their own selves. So so that way I'm glad. Yeah, Bhattigul meter chalu. I'm happy to be part of it, and I hope ki agar future mein aisi koi filmein hai, agar koi is tarah ke koi concept aate hain, any day would love to be part of them. I think ki जैसा यामी ने कहा, हमेशा तो ऐसा नहीं होता. कभी कभी समटाइम्स यू गेट फिल्म्स, आप फिल्म्स का हिस्सा बनते हैं जिनमें सिर्फ एक कहानी दिलचस्प हो और ऐसा कोई मैसेज ना हो. पर मेरा मानना ये है कि अगर आप एक एंटरटेनिंग तरीके से एक ज़रूरी मैसेज ऑडियंसेस तक पहुंचा सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू यू नो ब्रिंग टू लाइट एक जो ज़रूरी मुद्दा होता है कंट्री का या कोई इशू होती है. तो आई थिंक दैट सिनेमा इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट. लास्ट टू क्वेश्चंस. जी मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, जी इट इज ऑन माय माइंड. ओके, क्योंकि अच्छा पूछ रहे सर, शायद आपके भाई ईशान भी फिल्मों में है, दोनों फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ जी बहुत. क्या हम आप दोनों को साथ में कभी देख पाएंगे या ऐसी कुछ बातचीत चल रही कुछ? नहीं, हम छुपाने की तो कोशिश नहीं करेंगे अपने आप को. तो अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई और ऐसा कुछ लगा कि हम दोनों सही हैं उसके लिए, सिर्फ जबरदस्ती साथ में नहीं काम करेंगे, लेकिन कुछ सही होगा तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट, ऑफकोर्स. अच्छा एक सवाल, आई होप कि आप लोगों ने इसका जवाब कई बार दिया होगा, लेकिन इस बार जानना चाहेंगे कि जब भी मुंबई में तो बत्ती गुल बहुत ही कम होती है, लेकिन जब भी गुल होती है मुंबई में, मुंबई जैसे शहर में बत्ती गुल होती है, तो क्या कुछ करने का दिल होता है आप लोगों का? तूने ना स्टार्ट ऐसे किया, तूने स्टार्ट ऐसे किया कि पता नहीं क्या पूछने वाला है तू. और उसके बाद जो 6056 बार हम जवाब दे चुके हैं वही सवाल पूछ लिया तूने. आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी चैनल पे जाइए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. एंड आई मस्ट से बेटा, ये जो तुमने अपनी सेल्फी घुसेड़ी हुई है जो हमें 3 घंटे से घूर रही है, वी आर स्टेयरिंग एट यू because can you see it's his own photo and it's staring at us like this from side. Even I want a cover like that. Yeah, I was thinking the same thing. ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. मैं एक्चुअली फिल्म का सोच रही हूं. मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें श्रद्धा का जवाब देता हूं क्योंकि मुझे रट चुका है. श्रद्धा अपने भाई के साथ फेसेस बनाया करती थी टॉर्च लगा के और नीचे खेला करती थी, और कई बार उनको ऐसा लगता था कि मैं फ्रिज में जाके सब खा लूं. ये इंटरेस्टिंग. इन्होंने एक्चुअली जो जवाब दिया वो हमारा कंबाइंड जवाब है. मैं हाफ वे थ्रू भूल गया था कि इन्होंने और क्या कहा, तो मैंने अपना जवाब देते हैं ना, हम एज अ ग्रुप एज अ टीम देते हैं. Consolidated effort. और वो बाकी बात सही है. मैं नॉट जस्ट जवाब, हम उनके तरीके में भी अब जवाब दे सकते हैं. अब ये बात बोलेगा ये बहुत ज्यादा टैलेंट लगता है इस चीज में, अभी इसका क्या जवाब होगा आपके पास आपका? अच्छा तू अपनी बताना यार, हमारी सुनी तो ऑडियंस बोल गई. तू बता, तू क्या करता था जब लाइट जाती थी? तो सोचता था या सो जाता था? सोचते सोचते सो जाता था, सोते सोते सोचते रहता था. क्या करता था? सोने की इच्छा ज्यादा होती थी. इच्छा ज्यादा होती थी लाइट जाने के बाद. दिन में ऊँगता रहता था बेसिकली, मतलब ऊँगने का मौका मिल गया. ये एक नया जवाब था. He liked to sleep because it became dark. आज के मुख्य समाचार बोल दो ना, कुछ कह दो फॉर 21st September. आप क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि 21 सितंबर को जो हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, 21 सितंबर को आप फिल्म इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड. हम बहुत एक्साइटेड हैं. वी आर रियली रियली एक्साइटेड एंड रियली थ्रिल्ड एज अ टीम. उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगी. वी रियली होप दैट यू लव द फिल्म. एंड ऑन दैट नोट, और ऑन दैट नोट पे क्या बोलते हैं, अगर पत्ती चले जाए तो ऊँग लीजिएगा. सो लीजिएगा, थोड़ा पंखिया लीजिएगा, थोड़ा बतिया लीजिएगा, थोड़ा है ना, है ना.
हो गया, नाउ वी आर डन, इतने भी क्रिएटिव नहीं है। अब मुझे भी कुछ कहना। वेल आई फील ये फिल्म मैंने इसलिए की क्योंकि जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट का नरेशन ख़त्म हुआ तो आई वॉज़ वेरी मूव्ड बाय द इशू और आई वॉज़ वेरी इमोशनल और मुझे ऐसा लगा कि बड़े शहर के लोगों को शायद लगता होगा कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व नहीं करेंगे छोटे गाँव में, छोटे शहरों में, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि बनती उतनी है। और ये जो इशू है ये बहुत रियल और बहुत रेलिवेंट इशू है जो हमारे देश के हार्टलैंड में लोग महसूस करते हैं, उसके साथ जूझ रहे हैं और उनके पास कोई आवाज़ नहीं कहीं जाके अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो ये फिल्म एक माध्यम है उस इशू को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, बड़े शहर के लोग देखें ताकि उन्हें एहसास हो कि उसकी वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, और छोटे शहरों की तो ये कहानी है, ये उन लोगों के बारे में है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और जिस तरीके से स्क्रिप्ट ने मेरे दिल को छुआ है अगर वो लोगों को छुएगी तो इस इशू में कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। थैंक यू, थैंक यू। इंडस्ट्री से जुड़ी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए जैसे तैसे.com।